नमस्कार साथियों, परिवर्तन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम 15 जून 2018 के द हिंदू को डिस्कशन करेंगे और एडिटोरियल सेक्शन को थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिए। देखिए, कल हमने एक छोटा सा प्रॉमिस आप लोगों से किया था कि हम 5-6 वर्ड्स को कम से कम एज ए वोकैब के रूप में थोड़ा डिफाइन करेंगे, ताकि आपकी एक तो कमांड इंग्लिश पर हो, दूसरा आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो पहला जो आप यहाँ देखेंगे, ये वाला, यहाँ थोड़ा जूम होके आपको दिखाई देगा, प्रेसिडेंट रिजेक्ट तमिलनाडु प्लेयर टू रिलीज राजीव केस कॉन्विक्ट्स। जो राष्ट्रपति महोदय है, उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा की याचिका दी गई थी कि जो राजीव गांधी की हत्या में जो इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर अपराध केस लगा है, जिनके ऊपर जो अपराधी है, उनको छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि गृह मंत्रालय से सलाह करके उन्होंने निर्णय लिया कि वो उनको ऐसे ही परमिशन नहीं देंगे, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक गलत मैसेज जाता है इस तरीके का, अगर हम क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं, और जो बड़े स्तर पर एक मतलब प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स की बात करें, जैसे प्लिया का मतलब होता है याचिका, हम किसी से अपील करते हैं, ठीक है। और कॉन्विक्ट्स का मतलब होता है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, दोषी है वो। कॉन्विक्ट्स का मतलब है वो दोषी है और अपराध सिद्ध हो चुका है, उसको बोलते हैं कॉन्विक्ट्स। और यहाँ कभी कभी एक वर्ड यूज होता है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब हम देखेंगे किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना एक पक्ष है, दूसरा कॉन्विक्ट्स होना, वो होता है अपराधी उस पर सिद्ध हो चुका है, ठीक है। देखिए, ये हाई कोर्ट स्प्लिट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएज केस, ये एडिटोरियल सेक्शन में दिया गया, तो हम इसको वहीं देखेंगे थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। तो स्प्लिट का मतलब होता है डिवीजन, बंट गया है हाई कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट ने दो जजों की बेंच बनाई, लेकिन एक जज का निर्णय अलग है, दूसरे का अलग है, तो इसको बोलते हैं जो उनके बीच में स्प्लिट होना, एक मतभेद होना, ठीक है। नेक्स्ट है, आप यहाँ एक टाइटल देखते हैं, इंडिया कॉल्स यूएन रिपोर्ट ऑन कश्मीर फॉल्सियस। देखिए, हाल ही में, फॉल्सियस का मतलब होता है कि जो कोई बेस नहीं है, बेसलेस है, तर्क नहीं है, बिना किसी तर्क के आपने ये रिपोर्ट बना दी। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा बाय इंडियन फोर्सेस, ये बोला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको लगता है कि कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस द्वारा वॉयलेशन हो रहा है, तब आपको ये भी दिखाई देना चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा, पाकिस्तानी सपोर्टेड द्वारा वहाँ पर टेररिज्म इतने स्तर पर फैल रहा है। तो भारत ने उसको रिजेक्ट किया कि इस तरह की रिपोर्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये पूरी तरीके से बेसलेस है, आपने किस बेस पे तैयार किए ये आपकी है। और इंडिया बताएगा, इंडिया की सोवरनिटी के, द रिपोर्ट वॉयलेट्स इंडिया सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की संप्रभुता और अखंडता। सोवरनिटी का मतलब होता है संप्रभुता और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, इनके विरुद्ध ये रिपोर्ट एक तरीके से है, ठीक है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको, इस मामले में गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है। ये यहाँ पर फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप है शुरू हो गया रशिया के अंदर। आगे चलते हैं, देखिए, अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि भारत में वाटर क्राइसिस, वर्स्ट वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है, यानी सबसे खराब एक तरीके से स्थिति हो रही है भारत की पानी की उपलब्धता के मामले में। और यहाँ लिखा है, द डिमांड फॉर पोर्टेबल वाटर विल आउटस्ट्रिप सप्लाई बाय 2030। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, और आउटस्ट्रिप का मतलब होता है कि बढ़ जाएगी 2030 तक, पीने योग्य पानी की डिमांड जो है और अधिक बढ़ जाएगी। तो इसमें बोला गया कि लगभग 600 मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, 600 मिलियन भारतीय जो है इसमें पानी की एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में उनको प्रॉब्लम हो रही है पानी न मिलने की। और इनमें खासकर इनएडिक्वेट एक्सेस टू सेफ वाटर, इनएडिक्वेट का मतलब जो प्रॉपरली जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें वाटर, सेफ वाटर मिल ही नहीं रहा। खासकर 21 सिटी जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, इस तरह की सिटीज भी इसमें आती है। और अगर इसी प्रकार से रहता है तो 2050 के अंदर देश का जीडीपी, कंट्रीज का जीडीपी जो है वो 6% तक लॉस हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर, ठीक है, और क्रिटिकल ग्राउंड वाटर, और इसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है यानी भू जल है वो भी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, वो भी अनसस्टेनेबल, या बोलते हैं ना सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, और अगर अनसस्टेनेबल है तो सतत नहीं है, ठीक है, एक तरीके से सीधी सी बात है। और इस पर काफ़ी जरूरत है कि मैनेज करना पड़ेगा वाटर्स को, खासकर प्रबंधन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग, यहाँ पर बताया गया कि अभी हाल ही में जो कॉम्पोजिट वाटर इंडेक्स या जिसको संयुक्त जल सूचकांक जिसको बोलते हैं, उसमें बताया गया कि तीन कैटेगरीज के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया। हाई परफॉर्मेंस, जिन राज्यों ने सबसे अधिक अच्छा परफॉर्मेंस किया, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपको यहाँ दिखाई देगा। मीडियम परफॉर्मेंस, जिसका मध्यम स्तर का परफॉर्मेंस रहा आपको, यहाँ पंजाब, हिमाचल और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और यहाँ पर त्रिपुरा आपको ये देखने को मिलेगा। और लो परफॉर्मेंस में बहुत से जो रेड, बिल्कुल रेड कलर के स्टेट हो रहे हैं, इनका प्रदर्शन सबसे खराब इस समय देखने को मिला, ठीक है। तो ये है यहाँ पर न्यूज, आगे चलते हैं। यहाँ भी कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है, लेकिन एक चीज जो है, अभी आप जानते हो पिछले कुछ दिनों से, दो चार दिन से मैं पर्सनली फेस कर रहा हूँ कि डस्ट जैसे एक एनवायरनमेंट हो गया, पूरी ऐसे धूल से लिपटा हुआ एक तरीके से हमें दिखाई देता है। और उसकी वजह से यहाँ एक न्यूज़ भी है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही, जिसका ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, चाहे वो एयर ट्रैफिक हो या फिर लोकल ट्रैफिक हो, उन पर एक नेगेटिव असर पड़ता है इस चीज़ का। तो इस बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। देखिए, जैसा कि एडिटोरियल में हमने बताया था कि हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, जो पहले पेज पे रह गया था, तमिलनाडु में जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है उससे। देखिए, इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इश्यू क्या है। देखिए, तमिलनाडु के जो स्पीकर है उन्होंने 18 ऐसे MLA को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। डिस्क्वालीफाई का मतलब अयोग्य ठहरा दिया था, किसके लिए, कि उन्होंने सरकार, अगर आप मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं और अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के व्हिप, व्हिप का मतलब है कि आपको एक संकेतक दिया गया, एक संकेत दिया गया, जिसका मतलब ये होता है कि आपको पार्टी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना और पार्टी को सपोर्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर दल बदल या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, जिसकी वजह से स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है, ठीक है। अब 18 ऐसे MLA थे जिन्होंने इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको सपोर्ट नहीं किया। ये पालनी स्वामी जो है, EK पालनी स्वामी, ये इस समय वो है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इनको सपोर्ट नहीं किया। और उन्होंने एक तरीके से, मतलब आप असेंबली के अंदर नहीं करेंगे तो इन्होंने इनके विरुद्ध एक तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण, और जो दल बदल विधेयक है या जो 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग एक फाइल, मतलब अपील की स्पीकर से कि आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, वो अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये मामला चला गया है हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट जो है तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट में मामला गया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हुई, एक तो जजेस के बीच में स्प्लिट देखने को मिला। स्प्लिट का मतलब होता है कि दो जजों की बेंच थी। बेंच का मतलब होता है कि एक तरीके से जॉइंट डिसीजन लेने में जो बैठक होती है दो जजों की हो सकती है, 9, 10, 11 अलग अलग जजों की बेंच हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी बेंच दो ही जजों की है। और बेंच में ये होता है कि निर्णय जो है वो सामूहिक तरीके से लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 जजों की बेंच है, 3 जज अगर सहमत तो निर्णय वही होगा, ठीक है, और अगर उस निर्णय को बदलना है तो आपको बड़ी बेंच बिठानी पड़ेगी, छोटी बेंच वो निर्णय नहीं बदल सकती, ये खास चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें स्प्लिट देखने को मिला। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें सबसे पहले स्पीकर का रोल किस प्रकार का हो गया, इन दिनों स्पीकर का रोल बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। दूसरी बड़ी बात इसके अंदर, अगर मान लो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते तब तो ठीक है कि ई पालन स्वामी की गवर्नमेंट को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं और हाई कोर्ट बोलता है कि इनकी मेंबरशिप जो वापस दे दी जाए, तब सिचुएशन क्या होगी, तब सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग हो, इस बारे में पूरा ये एडिटोरियल, पूरा सिनेरियो घूमता है। तो आप इसको
पढ़ सकते हैं, इसमें 10th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 10वीं अनुसूची। स्पीकर की भूमिका बहुत इन दिनों में मायने रखती है, और स्पीकर और गवर्नर के रोल्स जो है अभी काफ़ी चैलेंजिंग भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनली काफ़ी चैलेंज किया जा रहा है, खासकर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, या जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं, उसमें खासकर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आइलैंड अपार्ट। देखिए, इन दिनों में मालदीव्स और भारत के संबंध लगातार खराब की स्थिति में है, तो इसके लिए पीछे कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं। अभी हाल ही में ये इश्यू ज़्यादा क्यों उठा, अभी वहाँ पर प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामीन, और एक डिसीजन आया वहाँ पर कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे मयूम अब्दुल गयूम जो थे एंड चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद, अब इनको 19 महीने की सज़ा हो गई है, 19 महीने के लिए वो जेल में रहेंगे। भारत ने कहा यामीन से कि आप अगर मतलब आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को, चीफ जस्टिस को ही जेल में डाल देंगे तो वहाँ पर फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, अब इस कड़ी को भारत और मालदीव के रिलेशनशिप खराब क्यों हुए, उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पहली चीज़ है मार्च 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया था यहाँ पर जाने के लिए, वो इसी की वजह से मोहम्मद नसीद का एक केस था वहाँ पर, प्रेसिडेंट में इश्यूज थे, उनको सजा दे दी गई थी, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद यामीन गवर्नमेंट ने बहुत से निर्णय लिए, चुनाव करवाए, फिर एमरजेंसी लगा दी स्टेट के अंदर। इसके साथ साथ उन्होंने एक अजीब सी सिचुएशन जो लगातार मालदीव करता रहा पिछले कुछ दिनों से, कि वो चाइना को प्रेफरेंस देता है इंडिया के मुकाबले इन दिनों में, कम से कम इससे पहले होता ये था कि वो पहली प्रेफरेंस इंडिया को देता था, लेकिन अब चाइना उसमें चला गया है। भारत और मालदीव, उन्होंने बोला कि आप 30 जून तक अपने हेलीकॉप्टर्स जो है वो हटा लीजिए, और जो भारतीय नागरिक वहाँ काम करने के लिए जाते हैं उनको वीज़ा इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, यानी रिलेशनशिप एक खराब कड़ी में चल रहे हैं। भारत जो है कोऑर्डिनेशन करता है, उनको साथ सहयोग करता है, खासकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ईईजेड में। अब ये ईईजेड क्या है, देखिए जब हम बॉर्डर के पास देखते हैं तो वहाँ 12 नॉटिकल मील तो जो होता है, नॉटिकल मील लगभग 1800 मीटर के अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो वो तो होता सीधा सीधा उसके अंडर में किसी भी कंट्री के, और उसके बाद जो 200 नॉटिकल मील होगा वो होता किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये होता। ठीक है, और बहुत से ना भारतीय जो है रिसोर्ट में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में काम करते हैं, तो सिचुएशन इनकी वजह से सिचुएशन भारत और मालदीव के बीच में ख़राब हुई है। दूसरा सबसे बड़ा असर इस पर, जो नागरिक काम करते हैं वहाँ पर, खासकर भारतीय नागरिक वहाँ काम करते हैं, तो उनके कार्य पर और उनके परिवार पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, ये इश्यू है, ये संबंध है। बायलेटरल एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। ठीक है, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, और ट्राइलेटरल का मतलब त्रिपक्षीय, तो ये यहाँ पर वर्ड आप देख लेना। आगे चलते हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ वायलेंस। ठीक है, अब इन्होंने बोला द पुलिस मस्ट डेवलप स्मार्ट टैक्टिक्स टू डील विद पॉपुलर अनरेस्ट एंड थ्रीट्स टू द न्यू इरा। स्मार्ट टैक्टिक्स का मतलब, टैक्टिक्स का मतलब होता है रणनीति अपनाएं, और पॉपुलर अनरेस्ट, जैसे कि एक होता है रेस्ट और उसके बाद अनरेस्ट का मतलब है इस तरह की जो सिचुएशन होती, खराब सिचुएशन माहौल एक तरीके से, जैसे वॉयलेंस होगी या फिर उनके विरुद्ध प्रदर्शन है, या थ्रीट एक तरीके से लगता है लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को, उसके बारे में है, यानी स्मार्ट टैक्टिक्स या स्मार्ट रणनीति अपनानी पड़ेगी। अब इनमें कई चीज़ों के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले तो अभी जो टुथुकुड़ी या जिसको तुतिकोरन पहले बोलते थे, वहाँ पर कॉपर को लेकर एक तरीके से स्टेलाइट को वहाँ पर चीज़ें देखने को मिली, वॉयलेंस हुई। इसके बाद इन्होंने कई एग्जाम्पल इन्होंने ऐड करे हैं, गोवा में आयरन माइंस इन गोवा में हो गए। ठीक है, उसके बाद टेनरीज स्विमिंग एफ्लुएंट इन कानपुर। टेनरीज का मतलब होता है जो चरम उद्योग होता है, जो चमड़े से वेस्ट निकलता है जिससे, ठीक है, इंडस्ट्री होती है। और स्विमिंग का मतलब होता है कि जो ऐसे बहता है ना, जिसमें जो चमड़े की चीज़ों इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो आप नदी में बहा देते हैं इस तरीके से। ठीक है,
भोपाल गैस ट्रेजिडीज हो, ये सारी चीज़ों के साथ साथ, उसके बाद दलित कम्युनिटी का अपराइजिंग हो, एक तरीके से बढ़ना हो, या फार्मर्स वोज अक्रॉस द कंट्री, वोज का मतलब इस तरह के प्रदर्शन, फार्मर्स द्वारा मूवमेंट्स जो चलाए जा रहे हैं, ठीक है, रेप ऑफ यंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये इश्यूज बहुत बड़े हैं, रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी, एक अलग सिनेरियो की जो ट्रेडिशनल पहने या मॉडर्निटी किस चीज़ को अपना, जिसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सारी चीज़ों में, और इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल सेक्शन घूमता है। कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस द्वारा किस प्रकार से चीज़ों को समझा जा रहा है, किस प्रकार से इस तरह के अगर प्रदर्शन कहीं पर हो रहे हैं तो कैसे डील किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे पुलिस खासकर जो मान लो ठीक है IPS लेवल पर ट्रेनिंग अच्छी होती है, लेकिन अभी भी स्टेट लेवल पर जो कॉन्स्टेबल हैं या फिर ASI है या सब इंस्पेक्टर है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और हर पर्टिकुलर कंडीशंस में किस प्रकार से लड़ना है इसके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग का अभाव है, या मॉडर्नाइजेशन नहीं है ट्रेनिंग के अंदर। और बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर बोलती रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट का मामला, स्टेट लिस्ट में आता है कानून लॉ एंड ऑर्डर, तो ये और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत होती है कि एक राज्य की पुलिस अलग तरीके से कार्य करती है, दूसरे राज्य की पुलिस अलग तरीके से कार्य करती है। इसी कड़ी में यहाँ पर बताया गया कि जो IPC का सेक्शन है 144, सेक्शन 144, इसके बारे में बताया गया कि 144 जो धारा होती है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं कि 144 का मतलब क्या होता है, अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है। अब ऐसी स्थिति में जब वॉयलेंस होती है, पुलिस 144 के अनुसार काम करती है, तो वो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ख़राब सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। यानी मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है पुलिस का, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आवश्यकता है कि मॉडर्नाइजेशन किया जाए पुलिस व्यवस्था का, ठीक है जी। ये आर्टिकल है डीकोंजेस्टिंग अवर सिटीज। डीकोंजेस्टिंग का, कॉन्जेस्ट का मतलब होता है भीड़ भाड़, और डीकोंजेस्टेड का मतलब हुआ भीड़ भाड़ कम करिए अपनी सिटीज में। अब इसमें बताया इट्स टाइम टू मॉडिफाई रेगुलेशन टू अकोमोडेट ऐप बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मॉडिफाई का मतलब है उन्नयन करना, उसको और बेहतरीन करना। रेगुलेशन का मतलब आपको ऐसे विनियमन बनाने पड़ेंगे या रूल्स बनाने पड़ेंगे जो एकोमोडेट कर सके किसको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऐप बेस्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें आप लोगों को ये ज़रूरी है कि मॉडर्नाइजेशन किया जाए, ठीक है। तो अब इसमें आर्टिकल को थोड़ा सा हम समझते हैं। भारत की जो मोटर व्हीकल्स है, जितनी मतलब आप व्हीकल्स देख रहे हैं, 1981 में केवल 5.4 मिलियन थे, केवल 54 लाख पूरे कंट्री में थे, लेकिन 2015 में 210 मिलियन हो गए और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं 210 मिलियन। लेकिन इन चीज़ों ने, हमने मोटराइजेशन तो कर दिया कि बहुत सी गाड़ियाँ तो हमने ले ली, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन यानी बहुत भीड़ भाड़ हो गई है ट्रैफिक्स की, एयर पोल्यूशन एडवर्जली इम्पैक्टिंग, बहुत बुरी तरीके से, एडवर्जली का मतलब होता बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है सिटीज़ के अंदर, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी या गुणवत्ता जो है, आर्थिक गुणवत्ता भी सिटीज़ की कम हुई, क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो सिटीज़ की इकोनॉमी पर असर पड़ता नेगेटिव। अब इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि वो हम लोगों को देखनी है। सबसे पहले यहाँ बताई गई कि इन सारी चीज़ों से आप देखेंगे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, जयपुर, लखनऊ, इनमें मोस्टली जो है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बजाय खुद का व्हीकल को प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो अलग से चेंज हुआ, शिफ्टिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्रति इतनी नाराज़गी, इतना इश्यूज क्यों हुआ उसको समझने की ज़रूरत है। पहली बात आप देखोगे लोकल बसों में या ट्रेन में, अगर आप दिल्ली की बात करो, मेट्रो एक अच्छा कंसेप्ट आया, लेकिन अभी मेट्रो में हालत ये होगी कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने लगी है कि ये तक बोला जा रहा है कि अगले हर सेकंड में एक ट्रेन आएगी, लेकिन इतनी क्राउड, एक मिनट के अंदर मेट्रो स्टेशन फुल हो जाता है, ये सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिलती है। कई बड़े स्टेशन जैसे राजीव चौक है जहाँ पर इंटरचेंज होता है, कश्मीरी गेट है दिल्ली के अंदर,
आईएसबीटी, वहां पर भीड़ का स्तर जो है और कहीं ज्यादा दिखाई देता है। तो ये तो हो गए रीजंस यहाँ पर बेसिकली। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया है बेसिकली। देखिए टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, पहली चीज तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करना पड़ेगा ताकि लोगों को अवॉइड किया जा सके कि वो अपना पर्सनल व्हीकल्स यूज ना करें, कम से कम सिटी के मेन एरिया के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ट्रैफिक के बारे में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल टैक्सी यूज करते हैं, तो उसमें जो जैसे एक ऊबर पूल का कंसेप्ट आया था कि आप केवल अकेले ना जाए तो एक दो को और साथ में आप ले, ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा हालांकि ओड इवन का एक प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस की, मिनी बस की जरूरत है कि आप छोटी बस चलाएं लेकिन चलाएं सीएनजी बेस्ड। और अभी तो सीएनजी से बढ़कर सरकार द्वारा भी प्रस्तावित है कि मेथनॉल बेस्ड जो है व्हीकल हो। तो कहने का मतलब ये कि जो एयर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन जो स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर यहाँ पर देखने को मिलता है, उनको इंक्रीज करने की आवश्यकता है। सिटीज के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट को और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, कि मेट्रो एक ऐसा संसाधन है कि वो स्पेस भी नहीं कवर करता ज़्यादा, और वो अपने मतलब आप देखेंगे मेट्रो स्टेशन के नीचे से भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो मोस्टली मेट्रो स्टेशन वो ऊपर ही होते हैं, मतलब ग्राउंड या तो ग्राउंड में तो है, बिल्कुल बेसमेंट में बोल सकते हैं, या फिर ऊपर होते हैं, ऐसे नहीं होता रोड की तरह। तो वो एक रोड अपनी जगह चलता रहेगा, तो एक ये अल्टरनेट प्रोवाइड करता है मेट्रो, जिस तरह की चीज़ों को हम लोग फोकस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को बहुत काम करना पड़ेगा और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा ट्रैफिक सिस्टम को, तभी हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए ये एडिटोरियल है जो हम नहीं पढ़ेंगे, ये बोल रहा है कि 2019 में मोदी वर्सेस ऑल हो जाएगा क्या सारी चीज़ें, इसके बारे में ये है। तो पॉलिटिकल एक आर्टिकल है कि इस चीज़ को हमें देखने को जा सकता नहीं है, लोग बताएंगे किसको क्या क्या वोट देने। नेक्स्ट है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग वाला ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें यह बोला गया है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जिससे मीटिंग हो रही थी किंग दाओ के अंदर, उस समय जी सेवन में के देश, जो कि आप यहाँ देखेंगे जी सेवन के देश जो हैं वो ट्विटर पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहले क्या था, जब 2001 में ऑर्गेनाइजेशन बना तो चाइना और रशिया इसमें एक तरीके से हैवी पार्ट वो थे, मतलब बड़े देश थे, लेकिन जैसे ही इंडिया ने इसमें एंट्री करी है तो इंडिया ने बता दिया कि भैया अभी हम भी हैं। और ये वास्तविकता है, जैसे ही इंडिया इसमें एंट्री हुआ है तो ये केवल चाइना और रशिया ग्रुप नहीं रह गए, बड़े स्तर पर इंडिया के रोल होगा, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पे केवल एक देश नहीं है बल्कि विश्व महाशक्ति की ओर अग्रसर है, जिस प्रकार से पोटेंशियल बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कि एक तो हम यूरोशियन कंट्रीज तक इसमें एक्सेस कर सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इंडिविजुअल या बोल सकते हैं बायलेटरल या द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में मदद कर सकता है, एंगेजमेंट बढ़ा सकता है इंडिया की सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, और इवन पाकिस्तान से भी हमारा रिलेशनशिप जो है सुधार करने में मदद कर सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, कम से कम मीटिंग तो हो, बात तो हो, ये इश्यू है इसमें, ठीक है। और देखते हैं बाकी कोई एक दो न्यूज और होगी तो। देखिए सेस कलेक्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर असेंबली अबाइजमली नाउ, अबाइजमली का मतलब बहुत ही, या मतलब बहुत ही भद्दे ढंग से इसका एक मतलब होता है अबाइजमली, बहुत ही खराब प्रदर्शन है कि इसमें सेस आप कलेक्ट कर रहे हैं। जो देखिए सेस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एक तरीके से स्पेशल टैक्स लगाती है कि वो केवल उसी यूज के लिए पर्टिकुलर यूज हो सकता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, और उसी केवल मान लो अगर वेलफेयर के लिए लगाया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए तो इसी में यूज होगा, किसी और पर्पज के लिए नहीं। सरचार्ज इसी तरीके का होता है लेकिन वो दूसरे पर्पज में यूज किया जा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेस को शेयर नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ये भी इसमें खास चीज होती है। तो इसमें बोला गया वर्कर्स के लिए जो एक पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी पर बात हो रही थी, और जो लेबर मिनिस्ट्री उसने वो पॉलिसी बनाई भी, उसके अंदर इन्होंने कई चीज़ें ऐड करी है, मॉडल वेलफेयर स्कीम जिसको बोलते हैं, जिसमें पेंशन होगी, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट होगी यानी स्वास्थ्य और मातृत्व से संबंधित लाभ होंगे, लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होगी,
जीवन और डिसेबिलिटी का मतलब है जो शारीरिक रूप से विक्षम अगर आप हो जाते तो इंश्योरेंस मिलेगा, एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, शिक्षा संबंधित स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग बेनिफिट, यानी आपको अगर आप मकान लेना चाहते हैं या इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं हाउसिंग बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, या फिर रेजिडेंशियल या मतलब रेंट वगैरह का इसमें इश्यूज हैं जो इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस है, ये बताया गया है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा ने ही केवल 1000 से अधिक टैक्स जो शेष है वो कलेक्ट किया, बाकी स्टेट्स की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट हम एक चीज़ देखते हैं वो यही है, देखिए फेडरल रिजर्व ने लिफ्ट रेट्स एमिड स्ट्रॉन्गर इन्फ्लेशन इन यूएस। फेडरल रिजर्व जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक तरीके से सेंट्रल बैंक है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दरों को बढ़ाया है और इसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ने वाला, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज पर, क्योंकि फेडरल रिजर्व बहुत बड़ा बैंक है और इंडिया पर भी उसका डायरेक्टली असर पड़ता है, तो शायद इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति हमें बहुत आगे मतलब इंडिया में और भी देखने को मिल सकती है। तो आज के इस द हिंदू में इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और धन्यवाद साथियों, जय हिंद।